हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 15 अगस्त 2021, यानी कि आज है भारत का 75th इंडिपेंडेंस डे, यानी कि 75वां स्वतंत्रता दिवस। तो सबसे पहले तो आप सभी को, सभी भारतीय लोगों का स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज भी स्वतंत्रता दिवस पे भी, इंडिपेंडेंस डे पे भी IPL के रिगार्डिंग, इसके साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही सीरीज को लेकर जो 8 काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है, वो हर दिन की तरह हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। लेकिन गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब, और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से, जहां पर CSK की टीम पहुंच चुकी है UAE, और इसके साथ ही अबू धाबी में CSK की टीम करेंटली हमें स्टे करते हुए नजर आ रही है। और गाइस, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, उनका जो होटल है वो काफी ज्यादा लग्जरियस है, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी। और वहां पर सबसे पहले जाकर CSK की टीम ने जो चीज की है वो आपको थोड़ा सा हैरान कर सकती है, क्योंकि वहां पर जाकर इन्होंने बिलियर्ड्स खेलना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कप्तान MS धोनी की फोटोज भी हमारे सामने निकल कर आई। तो ये थोड़ा सा वियर्ड अप्रोच CSK की साइड से था, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो कि काफी ज्यादा चिल्ड रहती है और ये किसी भी तरीके की बहुत ज्यादा प्रिपरेशन पर बिलीव नहीं करते। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि एक बहुत ही अजीब सी अपडेट निकल कर आई है BCCI और UAE की गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर हम ऑलरेडी जानते हैं मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जो दोनों ही टीमें हैं वो UAE पहुंच चुकी हैं, और इनके साथ ही एक स्पेशल प्लेयर भी UAE जा चुका है जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन गाइस, इनके अलावा जो बाकी की टीमें हैं उनको अभी तक परमिशन नहीं दी गई है, जहां पर UAE की गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि BCCI ने सिर्फ मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों के लिए परमिशन मांगी थी कि ये दो टीमें UAE आना चाहती हैं, तो इनको परमिशन दे दी गई। लेकिन बाकी की टीमें, अगर वो अभी आना भी चाहती हैं तो भी उनको परमिशन नहीं दी जाएगी UAE गवर्नमेंट की साइड से, क्योंकि BCCI और UAE की गवर्नमेंट के बीच में इसको लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात है कि अगर सभी टीमों को परमिशन नहीं दी गई तो क्या इन दो टीमों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट, जो कि निकल कर आती है एक ऐसे खिलाड़ी को लेकर जो कि भारत की साइड से खेलता था, और कभी हम बोलते थे कि शायद ये प्लेयर जो है वो विराट कोहली का हमें फ्यूचर उत्तराधिकारी भी नज़र आ सकता है। लेकिन अब ये प्लेयर इंडिया छोड़कर अमेरिका खेलने चला गया और अब ये वहीं से खेलेंगे, और ये हैं उन्मुख चंद। जहां पर उन्मुख चंद का नाम पहले काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जब अगर आप लोगों को याद हो तो भारत के अंडर 19 टीम में बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद IPL में भी इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन उसके बाद आप इनकी जो IPL में बल्लेबाजी है उसको बोल लो या फिर इनका थोड़ा सा आप लक खराब कह लो, इनको कोई भी चांस नहीं दिया गया क्रिकेट खेलने का, और उसके बाद तो हमें IPL में भी नहीं दिख रहे थे। लेकिन गाइस, अब उन्मुख चंद पहुंच चुके हैं सैन फ्रांसिस्को, यानी कि USA जा चुके हैं, और अब मेजर लीग क्रिकेट वहां पर एक टूर्नामेंट होता है जिसके बारे में हमें तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये वहां पर जाकर अब क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे। और इन्होंने कहा है कि भारत में इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से अब ये USA में आकर अपनी क्रिकेट को डेवलप करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है शारजा स्टेडियम के बारे में। शारजा का जो स्टेडियम है वो बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक और बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टेडियम है, जहाँ पर हमने कितने सारे बड़े बड़े मैचेस कंप्लीट होते हुए देखे हैं। और गाइस, अब जो शारजा का स्टेडियम है वो IPL के 10 मुकाबलों को भी होस्ट करने वाला है, जिसमें एक होगा एलिमिनेटर मुकाबला और एक होगा क्वालिफायर मुकाबला। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये मैदान है, और हमने देखा था लास्ट बार UAE में जब भी हमने शारजा के ऊपर मैचेस देखे तो मैचेस काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुए थे, यानी कि जितने भी नेल बाइटिंग फिनिश या फिर आप क्लोज मुकाबले कह लो, वो हमें ज़्यादातर शारजा में ही देखने को मिले थे। और अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए UAE की गवर्नमेंट ने जो शारजा का स्टेडियम है उसको मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि पहले वहाँ पर 4 पिचेस हुआ करती थी, अब वहाँ पर 6 पिचेस होंगी। इसके साथ ही ब्रॉडकास्टिंग को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, इसके साथ ही जो थर्ड अंपायर का व्यू होता है उसको भी ठीक करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी मॉडिफिकेशन चल रही हैं, यानी कि इस बार जब IPL होगा तो शारजा आपको लास्ट बार से भी कहीं ज़्यादा डेवलप नज़र आएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट, और ये उसी प्लेयर के रिगार्डिंग है जिसके बारे में हमने ऊपर बात की थी। और गाइस, ये प्लेयर हैं श्रेयस अय्यर, जहां पर श्रेयस अय्यर भी UAE पहुंच चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया कि बाकी किसी को भी परमिशन नहीं थी मुंबई इंडियंस और CSK के अलावा, लेकिन गाइस श्रेयस अय्यर अकेले ही UAE चले गए हैं, यानी कि वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ नहीं गए, बल्कि जैसे ही उनको NCA ने क्लियर किया कि वो IPL खेलने के लिए तैयार हैं, श्रेयस अय्यर वैसे ही UAE के लिए निकल गए और करेंटली
कि वो दुबई में क्वारंटीन्ड हैं, तो इसका मतलब है कि श्रेयस अय्यर को आने की भी परमिशन मिल गई, लेकिन हो सकता है उनको इसीलिए परमिशन दे दी गई हो क्योंकि वो अकेले प्लेयर थे। लेकिन अगर पूरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम जाना चाहती तो उनको परमिशन पहले BCCI से लेनी पड़ेगी और उसके बाद BCCI और UAE गवर्नमेंट के हाँ बोलने के बाद ही बाकी सारी टीमें UAE जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है चेन्नई सुपर किंग्स के विदेशी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस को लेकर। फाफ डु प्लेसिस की अगर हम बात करें तो IPL उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा था, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्टैंड अप किया था और वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल बैट्समैन अगर हम लोग इनको CSK के टॉप ऑर्डर के बोले तो गलत नहीं होगा। तो ऐसे में फाफ डु प्लेसिस का होना CSK में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन गाइज ऐसा लग रहा है कि डु प्लेसिस यहाँ पर उनके जो कनकशन की प्रॉब्लम है, जो कि उन्हें PSL के टाइम पर भी हुई थी, जिसकी वजह से वो PSL से बाहर हो गए थे, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। जहाँ पर करेंटली वो द 100 लीग खेल रहे थे, ना सिर्फ खेल रहे थे बल्कि वो एक टीम की कैप्टनसी भी वहाँ पर कर रहे थे। और गाइज कनकशन के चलते, यानी कि जब आपके हेड पर बॉल लग जाती है उसके चलते, फाफ डु प्लेसिस द 100 लीग से भी बाहर हो गए हैं। और CSK की टीम के लिए दिक्कत की बात यह है कि अब IPL शुरू होने में करीब करीब एक ही महीने का वक्त बचा है, तो क्या वो उस टाइम तक रिकवर हो पाएंगे या फिर नहीं, ये सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि फाफ डु प्लेसिस जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं, क्योंकि पहले मुकाबले में उनका CSK की टीम में होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है ईशान किशन की तरफ से, जहां पर ईशान किशन ने मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, जहां पर उन्होंने बताया है किस तरीके से रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस की टीम उनको बैक करती है, किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन होती थी। तो उन्होंने बताया कि मैच से पहले ही ये चीज़ फिक्स हो जाती थी कि ईशान किशन को चाहे उनको किसी भी कंडीशन में बैटिंग करने के लिए भेजा जाए, चाहे टीम के 2-3 विकेट जल्दी गिरे हों या फिर टीम को लास्ट में हिटिंग की ज़रूरत हो, ईशान किशन वैसे जाकर खेल सकते हैं जैसा उनको सही लगता है। यानी कि अगर 2-3 विकेट गिर चुके हैं और ईशान किशन को अगर लग रहा है कि उनको पहली बॉल पर छक्का मारना है ताकि प्रेशर हट जाए, तो पहली बॉल पर जाकर छक्का मार सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये फ्रीडम मिलने के बाद रोहित ने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी आपसे इसके रिगार्डिंग कुछ भी कहता है तो आप बस मुझे आके बता दो, मैं यहाँ पर उनसे बात कर लूँगा, लेकिन आप अपना नेचुरल गेम ही खेलो, जैसा आप फील करते हो वैसा ही आप खेलो। तो क्लियरली आप देख सकते हैं ईशान किशन, आज उनको भारतीय टीम में भी मौका मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की जो बैकिंग है और उनका जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है वो हमें यहाँ पर नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पोंटिंग की तरफ से, जहां पर पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एक वार्निंग दे दी है, जहां पर उन्होंने बताया है कि अगर आप लोगों को T20 वर्ल्ड कप खेलना है, अगर आप लोगों को T20 वर्ल्ड कप में अच्छे से कम्पीट करना है, खासकर बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की जो हालत हुई है उसके लिए आप लोगों को IPL खेलना ही खेलना पड़ेगा। पोंटिंग का मानना है कि जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की वजह से वो IPL को स्किप कर रहे हैं, तो उनको ये देखने की ज़रूरत है कि टेस्ट क्रिकेट से पहले आप लोगों के सामने पूरा IPL पड़ा हुआ है। तो ऐसे में आप लोग T20 वर्ल्ड कप को फिलहाल मद्देनज़र रखो, आप इतना ज़्यादा आगे मत सोचो, और अगर आपको T20 वर्ल्ड कप में अच्छा करना है तो फिर आप लोगों को IPL में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो गाइज ये वीडियो ही तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।